आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। कथन पहला है, पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक भोजन का स्तर जो होता है पोषण स्तर कहलाता है। दूसरा है, सहभोजिता में एक प्राणी को फायदा मिलता है एवं किसी को हानि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है दोनों कथन सही है, कथन दूसरा कथन एक का सही व्याख्या है। दूसरा है दोनों कथन सही है, परंतु दूसरा कथन एक का सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कथन एक सही है परंतु कथन दूसरा सत्य है। चौथा है कथन एक सही है परंतु कथन सॉरी चौथा है कथन एक सत्य है परंतु कथन दूसरा सही है। देखते हैं कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। पहला है पारिस्थितिक तंत्र में प्रत्येक भोजन स्तर का, ठीक है, जो पोषण स्तर कहलाता है, तो ये सही है। कैसे? पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है वह स्थान वातावरण का जहाँ पे सजीव निर्जीव आपस में संबंध रखते हैं। ठीक है, जैसे जल का पारिस्थितिक तंत्र, स्थल का पारिस्थितिक तंत्र, ये सब। तो पोषण स्तर में जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, पादप, ठीक है, पादप हो गया, पादप से भोजन कोई जीव ले रहा है, जैसे कि मान लो हिरण ले रहा है, ठीक है, हिरण ये सब ले रहे हैं, इससे फिर इसको शेर खा रहा है, ठीक है, और इससे फिर इसको यहाँ पे जीवाणु इसको मरने के बाद नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हर एक जीव क्या कहलाता है, पोषण स्तर कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हर एक क्या है, भोजन स्तर है। ठीक है, मतलब जीव अपना भोजन करते हैं, तो ये राइट हो जाएगा। दूसरा है, सहभोजिता में एक प्राणी को फायदा मिलता है, ठीक है, एवं किसी को हानि नहीं होती है, तो ये सही है, जिसे हम कॉमन सेलिज्म बोलते हैं। मतलब एक को प्लस होगा, दूसरे को जीरो होगा, ना तो हानि होगा ना तो लाभ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो जल में रहने वाले जो मछलियां हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, जो जल में बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं उनके साथ छोटी छोटी मछलियां मतलब चिपकी रहती हैं, तो उससे उनको मतलब स्थानांतरित होने का कह सकते हो साधन मिलता है और भोजन मिलता है, और बड़ी मछली को उनसे ज़्यादा फायदा नहीं होता है, तो इस तरह से समझ सकते हैं, तो ये भी हमारा सही होगा। तो यहाँ पे बोला गया है दोनों कथन सही है, बिल्कुल सही है। कथन दूसरा कथन एक का सही व्याख्या है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सही व्याख्या नहीं है। दूसरा है दोनों कथन सही है, परंतु यह जो कथन दूसरा है वो कथन एक का सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि पहले और दूसरे में कोई यहाँ पे संबंध नहीं है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा कथन एक सही है परंतु कथन दूसरा सत्य है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सही है। दूसरा कथन एक सत्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सेकंड होगा, फर्स्ट थर्ड फोर गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।